पैगंबर मोहम्मद का 2005 में अपमानजनक कार्टून बनाने वाले डेनमार्क के कार्टूनिस्ट कुर्त वेस्टरगार्ड का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। पैगंबर मोहम्मद के इस कार्टून के बाद मुस्लिम दुनिया में डेनमार्क विरोधी प्रदर्शन हुए थे। वेस्टरगार्ड के परिवार ने रविवार देर शाम उनकी मौत की सूचना डेनमार्क की मीडिया को दी और अखबार बर्लिंगस्के को बताया कि वेस्टरगार्ड की मौत नींद में हुई है और वे लंबे समय से बीमार थे। डेनमार्क के मीडिया ने खबर दी है कि उनकी मौत 14 जुलाई को उनके जन्मदिन के एक दिन बाद हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने की वजह से डेनमार्क में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे और भयानक हिंसा हुई थी। आक्रोशित लोगों ने फरवरी 2006 में डेनमार्क की सड़कों पर काफी खून बहाया था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया था। वहीं मुस्लिम देशों में डेनमार्क के राजदूत को तलब करते हुए गुस्से का इजहार किया गया था। डेनमार्क की मीडिया के मुताबिक फरवरी 2006 में भड़की हिंसा में कम 12 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। कई मुस्लिम देशों में डेनमार्क और नॉर्वे के दूतावासों पर हमला भी किया गया था। वेस्टरगार्ड 1980 के दशक की शुरुआत से ही डेनमार्क के बड़े अखबार जीलैंड्स पोस्टेन के साथ कार्टूनिस्ट के तौर पर जुड़ गए थे। वो 2005 में पैगंबर मोहम्मद का कथित रूप से अपमानजनक कार्टून बनाने के बाद दुनिया भर में जाने गए। मुसलमानों ने इन कार्टूनों को पैगंबर की बेअदबी और मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वाला बताया था। वेस्टरगार्ड के परिवार में उनकी पत्नी और 5 बच्चे, 10 पोते पोतियां और 1 पर पोता पर पोती हैं। साल 2008 में डेनिश खुफिया सेवा ने 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जिन पर वेस्टरगार्ड की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।